अनुपमा यादव के साथ एक बड़ा कांड हो गया है। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या कांड हो गया कि मैं रात के अंधेरे में इस 13x13 के कमरे में सनग्लासेस लगा के बैठा हूँ, है ना। तो देखो, ऐसा है कि मेरा ये जो बाई आँख है ना, इसमें बिलनी हो गया है। बिलनी समझते हैं? पता नहीं कितने लोग समझते होंगे, बट जो समझते होंगे वो समझते ही होंगे। बिलनी मतलब आँख की जो पुतली होती है वो सूजन हो जाती है उसमें, तो वही हो गया है मेरे साथ। खैर, पॉइंट पे आते हैं। भोजपुरी के एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनका नाम है अनुपमा यादव। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, इसमें इन्होंने लिखा है, मैं अनुपमा यादव, 14 अक्टूबर की रात नवादा में मेरे साथ हुए घटना के बाद से मैं बहुत परेशान हूँ और आप सभी से बताना चाहूंगी कि नवरात्रि के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा करना कहां तक उचित है। हम कलाकार हैं और हमको लोग प्रेम से अपने यहां बुलाते हैं, मगर बुलाने के बाद इस तरह का कार्य कहां तक उचित है। मैं इस शो में रात को 10 बजे पहुंची और सुबह 3:43 पर जाने लगी। इस शो को कराने वाले मुखिया का मेरे प्रति और सभी कलाकारों के प्रति इस तरीके का अभद्र व्यवहार करना कहां तक सही था। ये बात मानना पड़ेगा कि बिहार में जातिवाद बहुत ज्यादा है और वहां ऐसा ही हुआ। मुझे बोला गया कि भूमिहार का गांव है, यहाँ गोली मार देंगे। मेरे गाड़ी को हानि पहुँचाई गई, मेरे भाइयों के साथ अभद्रता की गई। हालांकि मैं बहुत सारे भूमिहार के गांव में गई हूँ जहाँ बहुत मान सम्मान मिला है। मेरे साथ साथ शिव कुमार बिकू और अमित आसिक पर भी हाथ उठाया गया और उनको भी मारने की धमकी दी गई, गालियाँ भी दी गई। और मुझे कल के बाद पता चल गया कि बिहार में दारू बंद है। नशे में इंसान अपने आप को भूल जाता है। मेरा इस बात को आप सभी को बताने का एक ही मकसद है कि आज ये घटना मेरे साथ हुई, कल किसी और कलाकार के साथ ना हो, क्योंकि पिछली बार गोलू राजा और उनके साथी कलाकार का भी शो इसी मंच पे हुआ था और उस दिन भी अभद्रता की गई थी। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करती हूँ कि नवादा के क्षेत्र में किसी भी जगह कार्यक्रम करने से पहले वहाँ के स्थानीय थाने में जरूर बता दें, ताकि फिर किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैं उस मुखिया अभिनव आनंद, अविनाश व कमेटी के सभी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। मगर शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि एक तरफ भक्ति का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ एक बेटी के साथ ऐसा करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे नेताओं को टैग किया है, जिनमें से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, बिहार पुलिस, मनीष कश्यप, बीना मालवी, एम योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विवेक ठाकुर। तो ये तो रहा अनुपमा यादव का पक्ष। अरे पहले इसको निकालो यार ससुर, आदत है नहीं हमको, थोड़ा सा सूजा हुआ है, एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो ये रहा अनुपमा यादव का पक्ष, बट कोई भी एक पक्ष सुन करके किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए हम दूसरा पक्ष भी सुन लेते हैं, यानी कि इस शो के ऑर्गेनाइजर व्यवस्थापक, जिनको अनुपमा यादव जी अपने पोस्ट में मुखिया शब्द से संबोधित कर रही हैं, उनका पक्ष भी सुन ही लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो पैसा ले लेती है, कार्यक्रम नहीं करती, क्योंकि पैसा जब लेती है तो उस समय वो कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए मेरे गांव में बुक था। तो ये वही मुखिया है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। पूरी वीडियो यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद से बता देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि अनुपमा यादव ठगी करती हैं, जितना पैसे वो लेती हैं उसके बराबर काम करके नहीं देती हैं। अनुपमा यादव ठगी करने का कोशिश करती है। अनुपमा यादव प्रोग्राम में 11:30 बजे आई, पूछने पर उन्होंने बहाना किया कि रास्ते में ट्रैफिक था, रास्ता भटक गई थी। लेकिन अनुपमा यादव 11:30 बजे आई, इस बात का हवाला देते हुए जाम मिल गया तो रास्ता भटक गया। 11:30 बजे स्टेज पर आने के बाद उन्होंने मुश्किल से 1 या 2 गीत गाया, 25 से 30 मिनट तक उन्होंने कार्यक्रम किया, उसके बाद वो स्टेज से उतर गई। मुश्किल से 20 से 25 मिनट, अधिकतम 30 मिनट में उन्होंने अपना कार्यक्रम समाप्त करके फिर पब्लिक हु हल्ला करने लगी, डिमांड करने लगी कि अनुपमा यादव जी को बुलाइए। फिर इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर मुखिया जी जाते हैं और उन्हें मनाते हैं कि मैडम चलिए आपको बुलाया जा रहा है, पब्लिक डिमांड कर रही है आपकी। तो मैडम ने बहाना किया कि मैं थक गई हूँ, अब मैं प्रोग्राम नहीं कर सकती, यह हवाला देते हुए बैठ गया कि हम थके हुए। फिर पब्लिक का जब हु हल्ला बढ़ा तो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे शिव कुमार बिक्कू जी को भेजा गया कि जाइए अनुपमा जी को बुला करके लाइए। स्थिति को अनियंत्रित होते देखते हुए शिव कुमार बिक्कू वहाँ गए और उन्होंने मनाया अनुपमा जी को कि चलिए मैडम माहौल गड़बड़ा रहा है। शिव कुमार बिक्कू जी गए, उनको उठाए, तब वो आए। फिर मैडम आती हैं और मुश्किल से 1 गीत गा करके फिर से वो बैठ जाती हैं और फिर थोड़ी देर के बाद स्टेज से उतरती हैं और सीधे अपनी गाड़ी के पास निकल लेती हैं वापस जाने के लिए। उस वक्त घड़ी में 2:30 बज रहे थे, 2:30 बजे के आसपास हो,
मन से उतरी और जाने लगी तब हम। अनुपमा यादव की ये हरकत देख करके वहाँ की पब्लिक गुस्सा गई, नाराज हो गई और उन्होंने अनुपमा यादव की गाड़ी को घेर लिया। और फिर उसके बाद जो हुआ भाई साहब, पुलिस का ही काम है, वही निपटे तो अच्छा रहेगा। लोगों की जो भीड़ थी एक बार उधर टूट पड़ी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पुलिस का काम है, तो मैंने सुना है कि वहाँ पर झड़प हुई है, एक दूसरे में हाथापाई भी हुई है। और अनुपमा यादव ने जो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराया है उसमें उन्होंने लिखवाया है कि मेरा गले का चैन, हाथ का ब्रेसलेट व्रेसलेट सब कुछ छीन लिया गया है। हम तो पुलिस से ये मांग करेंगे कि अनुसंधान में उस वीडियो को देखा जाए कि अनुपमा जी के गले में कितने बड़े सोने का चैन है, हाथ में कितने बड़ा उनका ब्रेसलेट है। खैर कोई नहीं, वो पुलिस पता लगा लेगी क्या हुआ था क्या नहीं। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना सच बोल रहा है। अब देखो अनुपमा यादव के फेसबुक पोस्ट की बात करें तो इन्होंने पहली ही लाइन में ये लिखा है कि किसी लड़की के साथ ऐसा करना कहाँ तक उचित है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये लोग हर मंच पे ये कहती हैं कि लड़का लड़की बराबर है, फिर क्यों ऐन वक्त पर ये लोग लड़की वाला गेम खेल जाती हैं। 140,000 रुपये अपने लिए हैं अनुपमा यादव का साटा, 140,000 रुपए, 140,000 अनुपमा यादव के लिए। बहुत सारे लड़के हैं जो 15,000 रुपए महीने पे काम कर रहे हैं, पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, वो तो मर्द वाला गेम नहीं खेल रहे। आपने 140,000 रुपए लिया है तो यहाँ लड़की वाला गेम फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। अब जो दूसरी बात की इन्होंने जिक्र की है वो है जातिवाद। ये लिखती है कि ये बात मानना पड़ेगा कि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ ऐसा ही हुआ। मुझे बोला गया कि भूमिहार का गांव है, गोली मार देंगे। हो सकता है ऐसा बोला गया हो। हाँ, मुझे पता है आपको ये बात बनावटी लग रही है, बट मान लेते हैं कि ऐसा बोला गया होगा। फिर भी ये बातें आपको सिर्फ पुलिस कंप्लेंट में दर्ज करानी चाहिए थी, पब्लिकली इस बात को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से आगे आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली, क्योंकि वहाँ और भी तो लोग रहे होंगे ना। हो सकता है कि उनके मन में जातिवाद जैसा कोई ख्याल नहीं रहा होगा, बट आपके इस स्टेटमेंट से उनके मन में जातिवाद आ जाएगा कि जब तुम जाति कार्ड खेल रही हो तो मम क्यों ना खेले भाई। और इससे आप लोगों को स्टेज शो करने में आगे बहुत परेशानी होने वाली है, याद रखना। तो इस तरह का स्टेटमेंट पब्लिकली नहीं दिया जाता। हाँ, अगर आपके साथ ऐसी कोई बात हुई है तो आपको पुलिस को ही ये सब बातें बतानी चाहिए, पब्लिक में ये बातें नहीं की जाती। ओके, अब मेरा शक इस बात को बनावटी पर क्यों आया, क्योंकि अगर उनके मन में जातिवाद होता तो उनको नहीं पता था आपका नाम अनुपमा यादव है। पता था ना क्यों बुलाते आपको, अगर उनके मन में जातिवाद होता तो। देखो असली बात है क्या, किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर आप उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और अनुपमा यादव का पोस्ट दोनों को ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि गलती असल में है किसकी। क्योंकि अनुपमा यादव जी ने भी अपने पोस्ट में ज़्यादा जोर जिस चीज़ पर दिया है वो है टाइम, प्रोग्राम में पहुंचने का टाइम। और उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर का भी जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर है वो यही है कि प्रोग्राम में आने और जाने का टाइम। एक तो 11:30 बजे आई, 12:30 में हो, मतलब क्लियर है कि सारा भसड़ टाइम के लिए है। और टाइम की भसड़ लगभग हर बिजनेस, हर नौकरी, हर धंधे में है। आप जहां पर भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, आपका जो बॉस होगा, सेठ होगा या एम्प्लॉयर होगा, वो हमेशा शाम को 6 बजे के बाद कहता होगा अरे ये फाइनल करके जाओ यार। फिर आप सोचते होंगे कि ससुराल 6 बज गया, तब वो कह रहा है काम करने के लिए। ये है टाइम। और इसी टाइम को लेकर धंधे या काम में सबसे ज़्यादा विवाद होता है। और यहाँ पर भी वही विवाद है टाइम का। इसमें जातिवाद या सिंगर का लड़की होना ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। अनुपमा यादव का कहना है कि मैं वहाँ 10 बजे पहुंची थी और सुबह 3:43 पर जाने लगी। वहीं पर ऑर्गेनाइजर का कहना है कि अनुपमा यादव 11:30 बजे आई और मुश्किल से 1, 2 या 3 गाने गाने के बाद 2 से 2:30 बजे वो मंच से उतर गई। एक तो 11:30 बजे आई, 12:30 में हो, उसके बाद 2:30 बजे लगभग वो
डायरेक्ट स्टेज पे से उतरी और उधर पीछे से नीचे साइड से जाने लगी। अच्छा, अब इसमें से कौन सही बोल रहा है, जाहिर सी बात है कोई अपनी दही खट्टी नहीं बताएगा। हो सकता है ऑर्गेनाइजर झूठ बोल रहा हो सकता है अनुपमा यादव झूठ बोल रही है। सच तो वही बता सकता है ना कि जो वहाँ पर प्रोग्राम देख रहा होगा, कोई आम नागरिक जिसका घाटे या मुनाफे से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऐसा कोई अगर व्यक्ति है तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करके बताओ कि अनुपमा यादव कितने बजे आई थी और कितने बजे चली गई, जिसने भी ये शो देखा होगा। ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। बाकी अनुपमा यादव के केस में क्या सही है क्या गलत है, जब केस हुआ तो पुलिस छानबीन करेगी।